तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी भारतीय रेलवे का मिशन है 2030 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी भारतीय रेलवे कई तरह के स्टेप्स ले रही है, जैसे कि न्यू आइडियाज, एडवांस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ट्रेनों में सोलर पैनलों को इंस्टॉल करना, स्टेशनों पर सोलर पैनलों को इंस्टॉल करना, इलेक्ट्रिफिकेशन, स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज, स्टेशन रीडेवलपमेंट और भी तमाम सारे इनोवेशन आइडियाज को डेवलप करने में लगी हुई है। लेकिन अब जो न्यूज हम देखने वाले हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जी हाँ दोस्तों, हमारी भारतीय रेलवे ने पहली बार गर्म पानी के सप्लाई के लिए पैराबोलिक सोलार कॉन्सेंट्रेटर को इंस्टॉल किया है। पैराबोलिक सोलार कॉन्सेंट्रेटर बेस्ड वाटर हीटिंग सिस्टम है और ये एडवांस सिस्टम रेलवे के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में काम करेगा, जैसे बोगी फ्रेम, इंजन ब्लॉक, ब्रेक रिंगिंग कंपोनेंट्स, एक्सेल बॉक्स जैसे और भी कंपोनेंट्स को भिगोकर साफ करने के लिए ये गर्म पानी को सप्लाई करेगा। अब हमारी भारतीय रेलवे एनवायरनमेंट में सुधार लाने के साथ साथ ही कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए काफी सारे इको फ्रेंडली इनिशिएटिव पर जोर दे रहा है। और ये जो गर्म पानी सप्लाई के लिए पैराबोलिक सोलार कॉन्सेंट्रेटर को इंस्टॉल किया है, तो ये जो इनोवेशन है ये साउथ रेलवे के गोल्डन रॉक वर्कशॉप में किया है। वैसे फ्रेंड्स, इस वर्कशॉप में पहले से ही इलेक्ट्रिकल बेस्ड हीटर मौजूद था, लेकिन अब यहाँ से इलेक्ट्रिकल हीटर को हटा दिया गया है और इसकी जगह ये नए पैराबोलिक सोलार कॉन्सेंट्रेटर को इंस्टॉल किया गया है। और ये भारतीय रेलवे में अपनी ही तरह का, अपनी ही अंदाज में ये एक नया इनोवेशन है। वैसे ये जो नया सोलार सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है, तो ये पर डे 10,000 लीटर तक गर्म पानी की आपूर्ति कर सकता है। साथ ही में कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करेगा और ये 82 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म रखता है। अब बात करें इंडियन रेलवे के इस न्यू इनोवेशन से बचत की, तो यहाँ पर वर्कशॉप में लगभग 1.9 लाख यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी के साथ साथ पर ईयर 15 लाख रुपीस से भी ज्यादा बचत होने की उम्मीद है। सो फ्रेंड्स, इंडियन रेलवे के इस नए इनोवेशन के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। और अगर आपको इस इनोवेशन के बारे में डिटेल में जानना हो, तो आर्टिकल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच पाए। थैंक यू सो मच।